बजट की ये परिचर्चा जारी रख रहे हैं। मेरे साथ हैं एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट डॉक्टर राजवीर सिंह। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आज का बजट आपने देखा होगा, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट प्रेजेंट किया 11 बजे जी, तो आपके क्या विचार हैं? और चूंकि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो एग्रीकल्चर की में ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, तो आपका विचार जानना चाहेंगे आज के हमारे इस बजट में। जी, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सेक्टर है जी, और बहुत सी विविधताओं से भरा हुआ है, चाहे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मीकरण, और उसकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन लगातार ऊपर नीचे रहता है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव होता है। जैसा अभी डॉक्टर मनुकांत सर ने जो बातें बताई जी, ओवरऑल मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो आम बजट जो पेश किया गया है, कृषि के परिदृश्य में अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए मोटे मोटे तौर पर मैं इसको तीन भागों में बांट रहा हूँ। एक तो आधारभूत जो ढांचागत विकास की बात है कृषि के अंदर, उस पर भी इसमें माननीय वित्त मंत्री महोदया जी ने उसमें रखा है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो समस्या हमारे सामने देखें तो बुंदेलखंड क्षेत्र की जो पानी की समस्या है, उस के लिए उन्होंने केन बेतवा परियोजना के माध्यम से 44,605 करोड़ के बजट का निर्धारण किया गया है और इसके लिए 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया है, और इसी तरह से 2022-23 के लिए भी है जी। तो इससे लगभग 10 लाख हेक्टर भूमि के सिंचित आगे होने की संभावना है और 60 लाख व्यक्तियों के पेयजल की जो रूरल आबादी है उसके पानी की व्यवस्था के लिए भी इसमें एक ये ढांचागत विकास की जो मैं बात करता हूँ। दूसरा, आज की जो परिस्थितियां हैं भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व समय जो आधुनिक खेती की जो कृषि रसायनों से सबसे ज़्यादा जो मानव स्वास्थ्य के लिए जो लगातार बीमारियां और इसकी वजह से आम व्यक्ति आज अफेक्टेड हो रहा है, कैंसर की बीमारियां हो रही हैं तमाम, और चीज़ें भी उसके दुष्परिणाम हमारे सामने जी, और निश्चित रूप से इनके सहयोग से हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता भी आई है। लेकिन आज ये समय सोचने का है कि हम खेती को टिकाऊ स्वरूप कैसे दें, तो उसके लिए इसमें प्राकृतिक जीरो बजट फार्मिंग का इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है जी, और इसके लिए उन्होंने ये प्रोविजन भी रखा हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपेक्स बॉडी है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप विद्यार्थियों के लिए उनका जो पाठ्यक्रम कृषि का चल रहा है उसमें जीरो बजट और प्राकृतिक खेती और जीवांश खेती का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के अध्ययन के साथ जोड़ा जाए, जिससे आम आदमी जागरूक हो और धीरे धीरे हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु और जलवायु, उसको समुन्नत करने की भी बात इस बजट के अंदर उन्होंने कहा है कि गंगा कॉरिडोर के आसपास 4-4 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। ठीक बात। और तीसरी बात जो लगातार हम 2 साल से किसान की जो बातें आ रही थी, जो किसान आंदोलन भी हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी बात है, तो उसमें कोई इस तरह से क्लियर कट गारंटी की बात तो नहीं है बजट के अंदर, लेकिन उसमें ये प्रोविजन रखा गया है कि 2.37 लाख करोड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य जी का आवंटन किसानों के सीधे खाते में ट्रांसफर करने की बात कही है, जो कि आज से पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया गया। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं, जो बजट का ये
इसका जो पार्ट है कि 163 लाख किसानों से 1200 मैट्रिक टन जो अब तक का रिकॉर्ड खरीद का प्रोविजन रखा गया है धान और गेहूं के लिए। तो ओवरऑल मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं है, मतलब किन्हीं कारणों से है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उसकी खरीद भी बढ़ाई जा रही है जो धान और गेहूं का बात है, और उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र की बात है वो भी इसमें जो है रखा गया है। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं 2023 का जो आगे आने वाला वर्ष है उसको मोटा अनाज के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको ला रही है। मोटा अनाज से मतलब हमारा जो आपका ज्वार जी, बाजरा और मक्का, जैसे बाजरा को मिरेकल क्रॉप के रूप में जाना जाता है। हम लोग अब चेंज हो रहा है, हमारी हैबिट भी है कि अब हम फिर दोबारा मतलब मोटे अनाज पर जा रहे हैं, मोटे अनाज पर जा रहे हैं, और स्वास्थ्य के लिए ये वेरी न्यूट्रिटस हैं, तो उनकी खेती को बढ़ावा दिया जाए। और दूसरा, क्योंकि ये ऐसे अनाज हैं इनके लिए पानी सबसे कम चाहिए। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसको सबसे कम पानी की आवश्यकता है। क्यों? जैसा मैंने आपसे पहले कहा है कि कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर एक चुनौतीपूर्ण हमारा सेक्टर है, और रातों रात कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। ये हमारा जो विजन है, धीरे धीरे हम इसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और उसी के तहत सरकार का जो जो दृष्टिकोण है वो लंबी सोच है उनकी, और दूरगामी परिणाम इसके हमें मिलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है और किसानों के लिए जी काफी महत्वपूर्ण है बजट जी, और किसानों की समस्याओं को समझते हुए ही मतलब समझते हुए उसको इसमें प्रोविजन रखा गया है। लोक लुभावन की अगर मैं आपसे बात करूं, वो सच इस तरीके की कोई चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, एक सॉलिड सॉलिड मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात है। डॉक्टर साहब, अभी मैं बात आपसे हम लोग जारी रखेंगे, बहुत सारे एजुकेशन, बिकॉज आप लोग सब एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं जी, तो एक वो ई विद्या करके 200 टीवी चैनल बनाने की बात हो रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है, और सबसे अच्छा तो मुझे लगा कि जो गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर उसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लेकर आने की बात हो रही है। तो एजुकेशन पर भी गवर्नमेंट बहुत जागरूक है और बहुत अच्छा जो है वो मतलब मैं समझता हूँ ये टीवी चैनल और डिजिटलाइजेशन जो है बेसिकली डिजिटल यूनिवर्सिटी और इन सब के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो मतलब लेकर आ रही है। तो और इसके बारे में मनोकांत जी क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए राजेश जी, जो मुझे लगता है कि ये जो बजट है ये इंडिया एट 75, हम लोग इस वर्ष अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, अमृत महोत्सव है, और ये बजट उससे अब आगे जाके इंडिया एट 100 यानी अगले 25 सालों का की दिशा निर्देश या दिशा तय करने की ओर अग्रसर एक बजट है। बहुत बढ़िया। यानी हम 100 साल जब हमारी आज़ादी को हो जाएंगे उसे ध्यान में रखकर कुछ योजनाएं इसमें बनाई गई हैं, कुछ निर्णय इसमें लिए जा रहे हैं, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा बहुत सारे ऐसी चीज़ें थीं, जैसे आपने देखा कि एयर इंडिया का जो है वो प्राइवेटाइजेशन फिर से टाटा को सौंप दिया गया। Correct. जो सालों से हानि में चल रहा था, लॉस में चल रहा था। अभी भी सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के बहुत आगे के जो 3-4 साल हैं उसमें गवर्नमेंट अच्छे तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट में जा रही है। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, बिल्कुल ठीक। और गवर्नमेंट के बड़ा मतलब बड़ी सोच बड़ी क्लियर है कि उसे किस दिशा में और कितना और कैसे आगे बढ़ना है जी। और इस मामले में जैसे गवर्नमेंट की जो बात एग्रीकल्चर की राजवीर जी कह रहे थे, तो एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस मिलना इसलिए भी जरूरी है कि पिछले 2-3 वर्षों में जब से ये कोरोना पेंडेमिक रहा और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को सेटबैक लगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई, तो इंडियन एग्रीकल्चर ही एक ऐसी सिल्वर लाइनिंग थी जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रही थी इकोनॉमी में, और शायद यही एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट नजर आई। अदरवाइज सारी नेगेटिव जा रही थी हमारे सारी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर ने बखूबी अपना पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जारी रखा, तो उस एग्रीकल्चर को सरकार की ओर से प्रायोरिटी मिलना वो एक स्वाभाविक सी चीज है और एक आवश्यकता भी बहुत है। बढ़िया बात। और मुझे ये भी लगता है कि जो गवर्नमेंट की जो फ्लैग स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है,
या प्रधानमंत्री आवास योजना है, या जल जल कल वाली योजना है, हर घर को टैप वाटर मिलने की योजना है, इन सब के लिए भी आवंटन काफी इस बजट में बढ़ाया गया है। और कोशिश की गई है कि जो बुनियादी आवश्यकताएं एक नागरिक की होती हैं, वो बुनियादी आवश्यकताएं उस तक पहुंचें। और जो 2014 के बाद से जो सरकार ने योजनाएं, जनधन की योजना है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल बैंक की बात आ रही है कि 75 बैंक ब्रांचेस खोली जाएंगी, पेपरलेस सिस्टम होगा, है ना, और डिजिटलाइजेशन होगा, पेपरलेस पूरा मिनिस्ट्रीज जो है पेपरलेस सिस्टम में काम करेंगी। आज का बजट भी जो है वो पेपरलेस था। हाँ, मेड इन इंडिया के टैप, वो भी मेड इन इंडिया के टैप पर पढ़ा गया, वो तो फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की जो अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स जो चल रही है उनको और मजबूती से आगे बढ़ाने की, और ये जो नदियों को जोड़ने की बात जो राजवीर जी ने कही, ये तो एक बहुत महत्वाकांक्षी पुरानी योजना थी। कई कारणों से, राजनीतिक कारणों से वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस ओर अब जो है कार्य करना शुरू कर दिया है। गंगा नदी के दोनों ओर नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग पूरा उत्तराखंड से। और एक नई बात और जो मुझे इस बजट में नजर आई कि जो हमारे हिली स्टेट्स हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जो बिल्कुल एक तो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, बिल्कुल चाइना से, पाकिस्तान से लगे हुए हमारे जो वो हैं स्टेट्स हैं, उनके विकास के लिए विशेष जो एक स्कीम चलाई, 1500 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, पर्वतमाला एक पर्वतमाला योजना भी इन राज्यों के लिए जो हमारे राज्य हैं जो पर्वतों से आच्छादित हैं, उन राज्यों के लिए शुरू की गई। तो बहुत सारी इसमें पॉजिटिव्स हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे, जैसे मणिपुर है, तो वो ऑर्गेनिक स्टेट ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है, क्योंकि वहाँ की जो पारंपरिक खेती है वो काफी हद तक प्राकृतिक और जीवांश खेती के नजदीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके आज जो बजट में जो प्रोविजन की बात है, तो बहुत अच्छा देश के लिए और आम आदमी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए ये आगे मील का सब पत्थर साबित होगा। ये डिस्कशन हम लोग जारी रखेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद, और अभी इसके बाद हम लोग जो टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है इन द सेंस के मतलब वो पब्लिक, आम पब्लिक के मतलब के नहीं है, लेकिन जब मैंने आज फाइनेंस बिल का फाइन प्रिंट निकाल कर देखा है तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारी सेक्शंस में अमेंडमेंट हैं, तो हम टैक्स से रिलेटेड इश्यूज पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।